नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक मल्टीबैगर स्टॉक लेकर आया हूँ। और ये जो मल्टीबैगर स्टॉक है, अगर आप इसमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तगड़े रिटर्न ये आपको फ्यूचर में बनाकर दे सकता है। 5000% का प्रॉफिट ये ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में बनाकर दे चुका है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो आप देख रहे होंगे हेडलाइन कि पहले जो बताया उसने भी टारगेट पूरा किया, अब ये समझाता हूँ ये क्या है। दोस्तों, मैंने दिवाली के टाइम पर एक स्टॉक आपको सजेस्ट किया था, ठीक है, और उस स्टॉक की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बार बार बोला था कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ मैं आपको इस शेयर को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपकी स्क्रीन पर भी वो वीडियो आ जाएगी, चैनल पर मिल जाएगी। मैंने आपको दिवाली के टाइम पर सजेस्ट किया था अक्टूबर के आसपास कि भाई इसमें आप 350 से 400 रुपये पर शेयर अर्न कर सकते हैं कि अगर आप उसमें उस समय निवेश करते तो। चाहे तो आप वीडियो जाकर देख लो। और ये टारगेट, इससे भी ज़्यादा का टारगेट अब तक 2 से 2.5 महीने में जो शेयर था उसने टारगेट अचीव करा दिया है। तो जाकर आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं पहले इस वीडियो की तरफ। और अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली वीडियो के एंड में आप खुद इस पर एक अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट मेक श्योर, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की अपडेट मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसने पिछले 5 साल में 5000 या 7000 से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको बनाकर दे दिया है, और जहाँ पर ये शेयर ना पिछले 5 साल पहले 40 रुपये के प्राइस पर लिस्टेड हुआ था, ठीक है, वहीं पर ये अभी अभी 3000 रुपये तक का हाई लगा कर आया है। यानी ये जो आपको 1293 रुपये का शेयर अभी दिख रहा है ना, ये 3000 रुपये का हाई लगा कर आया है। तो आप समझ सकते हैं अपने हाई से कितने कम दामों पर ये अभी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जब भी किसी शेयर में हम निवेश करते हैं, किसी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, तो हमें उसके बिजनेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो इसका बिजनेस है वो कार्बन क्रेडिट्स, क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट का है। और जो इसका मेन बिजनेस है ना, वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का है। दोस्तों, ये फ्यूचर में भी ना जिस कंसिस्टेंसी के साथ इसने पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है, हमें आने वाले समय में भी, फ्यूचर में भी ये उसी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ कर सकता है। और ये जो नंबर्स है ना, ये केवल 1 साल या 2 साल के नहीं है, ये नंबर्स आप मैक्सिमम में भी देखेंगे और पिछले 5 साल में भी देखेंगे, तो वही नंबर्स आपको उसी ग्रोथ के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स हम चेकआउट बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले कंपनी के टेक्निकल्स को चेकआउट करते हैं। 5 दिन में अगर हम देखें तो इसमें हल्की बहुत तेज़ी हमें देखने को मिलती है। और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में हमें शेयर में 52% की गिरावट देखने को मिली है। वो इसी वजह से ये हमें 3000 के हाई जो इसने लगाया अभी उससे काफ़ी कम दामों पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 1 साल की बात करें तो 45%, और अगर आप बात करते 5 साल की तो आप देखोगे 5 साल में इस शेयर ने हमें 3092% का प्रॉफिट कमा कर दिया है। अब मैंने तो कहा था भाई 7000 या 5000%, वो आप देखो कैसे। अगर आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दो, अगर एक अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट इसी शेयर में लोग लेते हैं ना, तो आप इसी शेयर में देख लो भाई कितने का प्रॉफिट लोगों ने कमाया होगा। वो मैं अब आपको अपने स्क्रीन पर चेक करा देता हूँ। आप देखो इसी शेयर में 7000 या 7500% तक का प्रॉफिट लोगों ने कमाया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर मैक्सिमम में भी यही डाटा है, 3092% का प्रॉफिट 40 रुपये पर शेयर लिस्टेड हुआ था 9 अप्रैल 2021 के आसपास का, इसमें डेट दिखा रखी है, स्प्लिट हुआ था शेयर डेफिनेटली, तभी इसमें 2021 से दिखा रखा है इतने 40 रुपये के प्राइस पे। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, क्योंकि देखो टेक्निकल्स तो हमने देख लिए कि क्या पास्ट में रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम फ्यूचर में के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब सीधा चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। अब देखते हैं कंपनी की जो मार्केट कैप है ना, वो 3560 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी हम कह सकते हैं एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। अब किसी भी कंपनी का स्टॉक पी अगर अंडर 15 हमें देखने को मिलता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक पी हमें 10 के भी अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है, 7.60 का। कंपनी में हमें 236% की अनबिलीवेबल ROC देखने को मिलती है, और 176% की बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी, ये शायद आपने किसी भी शेयर में नहीं देखी होगी। उसके बाद बात करते हैं कंपनी का जो डिविडेंड है, कंपनी हमें 0.38% का डिविडेंड पे आउट करती है,
ठीक है, डेफिनेटली अगर कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है तो यहाँ से जो पहली बात हमें यहाँ समझ में आती है कि भाई कहीं कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल कंपनी बिजनेस कर रही है तभी वो हमें डिविडेंड भी पे आउट कर पा रही है। अब देखो इसका जो एक साल का अधिकतम, वो मैं आपको चार्ट में दिखाना भूल गया, यहाँ दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको बोला कि 3000 का हाई लगा के आई है, एक साल में आप देखोगे 3150 का हाई लगाया, और अपने एक साल के अधिकतम से काफ़ी कम दामों पर यह आपको इस समय मिल जाएगा। इसलिए इसे जो बाय करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी शानदार है, यानी एंट्री लेने का ये बहुत सही समय है इसमें। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की सेल्स वगैरह पे कि कंपनी की सेल कैसी है। तो ईयरली अगर हम सेल देखें तो देखो 2018 तक कंपनी की सेल 7 करोड़ यानी सिंगल डिजिट्स में होती थी। उसके बाद मार्च 2019 में कंपनी की सेल डबल डिजिट में हुई, 20 करोड़ की हुई, क्योंकि कंपनी देखो एफर्ट कर रही थी यहाँ पर, अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा रही थी सेल करने के लिए। मार्च 2020 में कंपनी ने 50 करोड़ की सेल क्रॉस करी, 2021 में कंपनी ने 191 करोड़ की सेल क्रॉस करी, और मार्च 2022 में कंपनी ने सीधा 2000 करोड़ के पास की सेल कर दी। 1800 करोड़ की सेल कंपनी ने 2022 में करी है, जिसका असर हमें डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। 383 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस साल जनरेट किया है, और अगर पिछले 12 महीने में देखोगे तो 469 करोड़ का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद जो मैंने आपको बताया आप इसकी देख सकते हो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और अब पिछले 12 महीने में, पिछले 12 महीने या एक साल में ना 844% की सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। वही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 2000% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही दमदार हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। दूसरी और तीसरी सबसे मेन बात है इसमें कंपनी का रिजर्व, कंपनी पे बहुत ही शानदार रिजर्व है 584 करोड़ का। हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा था, पिछले 2 साल से कंपनी के रिजर्व में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब देखो भाई सिंपल सी बात यहाँ ये समझो, 584 करोड़ का अगर आप पे रिजर्व है तो 1 करोड़ का क्या डेप्ट आपके, यानी जो कर्जा है 1 करोड़ का, वो मायने नहीं रखता या नहीं रखता? भाई ये जो कर्ज है ना वो पूरी तरीके से डेप्ट फ्री है, ये कर्ज कहीं से कहीं तक इस नंबर के सामने वैल्यू नहीं रखता, तो इससे हम कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी ही कंसिडर करेंगे। अब तीसरी और सबसे मेन चीज़ जो है इस शेयर में बची हुई वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखो जो इतनी शानदार कंपनी है पिछले काफ़ी समय से रिटर्न देती हुई आ रही है, और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा किस सेक्टर की कंपनी है तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि फ्यूचर में भी तगड़े रिटर्न देगी। तो इस चीज़ को प्रमोटर्स को भी पता होता है। आप देखो 2021 से 73.7% की होल्डिंग है, शायद इससे पहले भी हो लेकिन इसमें 2021 से डाटा है। तो आप देखो जब से अब तक प्रमोटर्स ने लगातार अपनी जो संख्या है इसमें वो बना कर रखी है। वही हाल FI का है, FI की भी इसमें 5.37% की होल्डिंग काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, और DI भी इसमें 5.31% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। यानी कुल मिला कर अगर हम कहें तो 85% की जो होल्डिंग है ना वो प्रमोटर्स FI और DI ने ले रखी है, जिससे इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो हम जो कह सकते हैं कि पहली चीज़ हमने देखी कंपनी के टेक्निकल्स की, कंपनी का टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी की पास्ट में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, और दूसरा हमने देखी कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि फ्यूचर में निवेश करने के लिए फंडामेंटल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब तीसरी बात करी हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि भाई प्रमोटर्स की क्या संख्या है। ऐसा तो नहीं है सारे जो शेयर्स हैं वो पब्लिक पे हैं, प्रमोटर्स ने बेच दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहाँ प्रमोटर्स FI और DI की देखने को मिलती है। अब सीधा बात करते हैं किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी सस्ते दामों पर ये आपको देखने को मिल रही है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसे बाय करने की, और तगड़े रिटर्न ये आपको फ्यूचर में बनाकर दे सकती है, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ से बन रही है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हों, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कहूँगा एक बार अपनी स्टडी ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि अपनी स्टडी ऐड करोगे तो एक राइट और एक अच्छा डिसीजन आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अपना बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही अन्य आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो सके।